रायसेन से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर जमीन को खाली कराया गया। किसानों का कहना है कि फसल पर जेसीबी चलाने से पहले सूचना नहीं दी गई थी और हमें मुआवजा भी पुराने रेट से मिला था जो कि कम था, और इस मामले में प्रशासन का कहना है कि जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया था फिर भी किसानों ने फसल लगाई जो कि गलत है। रायसेन के बरेली से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते रास्ते में आने जाने वाले किसानों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर नष्ट कर दी गई, जिसमें किसानों की गेहूं की चने की फसल टमाटर आदि नष्ट हो गए। वहीं किसानों का कहना है कि 2009 के सर्वे किया गया था जिसमें 2009 के रेट से मुआवजा दिया गया था जो कि कम था, बिना किसी सूचना से हमारी खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी गई है जिससे फुलन रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जेसीबी चलाई गई है और इसकी कोई प्रकार की कोई सूचना शासन द्वारा हमें नहीं दी गई है। काय की फसल लगी थी आपकी? जी गेहूं और टमाटर की फसल थी। यहाँ पे नुकसान हुआ है? जी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वैसे ही किसान कर्जे में चल रहा है। आपका बिना सूचना के नष्ट कर दी गई। आपकी फसल के लिए आपको मुआवजा मिला होगा? फोर लाइन वालों ने दिया होगा? नहीं, फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया, केवल खेती का मुआवजा दिया था, वो भी हमें असंतुष्ट थे, हम उससे केस लगाया था। इसमें कोई सूचना नहीं दी, सूचना नहीं दी, और जब इन लोगों ने फसल नष्ट करने का जब किसानों ने सुना तो हमारे धोखेले से एक किसान ठाकुर सिंह पटेल कोटे का आ गया, वो ख़त्म हो गए। अच्छा। और एक कृषक की पत्नी ख़त्म हो गई धोखेले से, और किसान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, उनकी फसल नष्ट कर दी, उनकी जो तार फेंसिंग जाली फेंसिंग थी वो मिटा दी, पत्थर के खोड़े थे वो मिटा दिए, पर खोड़ा करीब 150-160 का आता एक पत्थर का खोड़ा है, और करीब तार फेंसिंग का तार आता 7,750 रुपये कुंटल है, वो भी नष्ट कर दिया। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आकांक्षा करौठिया बनी डिप्टी कलेक्टर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा MPPSC 2018 में खंडवा की आकांक्षा करवाटिया ने डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित होकर खंडवा का नाम किया रोशन। आकांक्षा प्रदेश में पहला स्थान अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में प्राप्त कर। तो आ रही थी जब मैंने एग्जाम्स दिए थी कि हाँ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी इस बार, और मुझे लगा था बिल्कुल कि डिजायरेबल पोस्ट मिलेगी मुझे। अच्छी है। कितने समय आप स्टडी करते थे और कैसे आप आने वाले दूसरे बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे? जी जो मेरी स्टडी था रूटीन, वो कभी भी आर बेस्ड नहीं रहा कि मतलब इतने घंटे पढ़ना है कि इतना टाइम देना है, ये था कि इतना टॉपिक मैंने आज लिया है, अपने लिए टारगेट बनाया है कि इतना मुझे आज कंप्लीट करना है तो मैं इतना कंप्लीट करके ही उठूंगी, तो आर बेस्ड नहीं थी, टॉपिक बेस्ड थी। अच्छा, आपके मदर फादर किस पोस्ट पे हैं अभी फिलहाल में और उनको कितनी खुशी हो रही है आपको ये जानकर? जी मॉम डैड बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें, और जो मेरे पापा हैं वो सागर में पोस्टेड हैं, मतलब आरटीओ ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड 2 पर, और जो मेरी मॉम है वो एक होम मेकर है। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। हर कोई बच्चा इंदौर या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जा नहीं सकता, हर बच्चा उतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और कुछ बच्चे खंडवा में रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म देना चाहता था मैं खंडवा में, पर अब जब खंडवा से सिलेक्शन हुआ है तब जाके बच्चों को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि खंडवा में रहकर भी हम पास हो सकते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट अचीव कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बन सकते हैं, तो ये खंडवा के लिए बहुत बड़ी बात है। विजय जी आपने भी सिलेक्ट होते थे, गोल्ड मेडल तक मिल जाता था, पर प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती थी, तो मैंने भी जॉब रिजाइन कर दी और स्टूडेंट को मोटिवेट किया सिविल सर्विस में आने के लिए। मेरी बात मान के स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हुए और साथ साथ उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, और ये तैयारी के बाद पहली बार मैं सबसे बड़ी पोस्ट मिल गई रैंक के साथ में। चाहूँगा युवाओं में जो मिथ है कि PSC के फील्ड में पैसा चलता है, बिना पैसा दिए पोस्ट नहीं मिलती या अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये लड़की है, इसको इसने कभी एक रुपया नहीं दिया, और सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि PSC के फील्ड में कोई पैसा नहीं होता, यदि आप में टैलेंट है, आपने मेहनत की है, आपको सबसे बड़ी पोस्ट मिल सकती है। अब क्या तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। आधार कार्ड के लिए परेशान हो रहे लोग, जब से शासकीय रिकॉर्डों में आधार कार्ड की उपयोगिता की गई है तभी से आधार कार्ड बनाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन आधार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोक सेवा केंद्र पर आए दिन विवादित स्थिति देखने को मिल सकती है। आधार कार्ड संशोधन व नवीन आधार के लिए उपभोक्ताओं 2 दिन का समय लग रहा है, परेशानी शासन की योजनाओं को कोस रहे हैं।
शासन द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद आम जनों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड बनवाने और सुधार के लिए आधार कार्ड केंद्र के चक्कर लगा रहा है। तराना में 3 केंद्र संचालित होते हैं, एक लोक सेवा केंद्र, दूसरा पोस्ट ऑफिस, तीसरा नर्मदा।